और उदयपुर चाकूबाजी मामले से जुड़ी इस वक्त की यह बड़ी खबर आपको बता दें, आरोपी छात्र के घर पर नोटिस चस्पा किया गया है। नगर निगम और वन विभाग की ओर से नोटिस चस्पा किया गया है। तो नगर निगम और वन विभाग की ओर से ये नोटिस घर के बाहर चिपकाया गया है। आरोपी का घर तोड़ने की भी तैयारी की जा रही है। जेसीबी और क्रेन मौके पर पहुंच चुकी है। बड़ी खबर इस वक्त की, उदयपुर चाकूबाजी मामले से जुड़ी इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आरोपी छात्र के घर को तोड़ने की तैयारी की जा रही है। आपको बताते चले कि इससे पहले नगर निगम और वन विभाग की टीम की ओर से आरोपी छात्र के घर के बाहर नोटिस चस्पा किया गया था। और अब तैयारियां देखिए, तस्वीरें देखिए, जेसीबी पहुंच चुका है और कुछ ही समय में आरोपी छात्र के घर को नेस्तनाबूत कर दिया जाएगा। और साफ तौर पर यह मैसेज दिया जा रहा है सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से, कि अगर आप कोई भी जुर्म करेंगे तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तस्वीरें सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर आप देख पा रहे हैं, जहां पर जेसीबी क्रेन पहुंच चुकी है, प्रशासन वहां पर मौजूद है और कुछ ही समय में घर तोड़ने की कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। चूंकि एक फॉर्मेलिटी होती है, सबसे पहले आपको नोटिस देना पड़ता है इस तरीके की कार्रवाई से पहले, और ऐसे में पूछा गया कि क्या आपका घर अतिक्रमण माना जाए, क्या आपके पास घर के कागजात हैं, और ऐसे में जब संतोषप्रद जवाब नहीं मिल सका तो ये बड़ी कार्रवाई की जानी है। और कपिल ने मौके से जायजा लिया है, दिखाते हैं आपको। स्कूली छात्रों के बीच में चाकूबाजी की घटना के बाद में एक और, जहां उदयपुर में माहौल तनावपूर्ण है, तो वहीं उदयपुर में इस समय हम मौजूद हैं दीवानशाह कॉलोनी के बाहर, और यहाँ की मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा जहाँ पर जो आरोपी छात्र जिसने चाकू से हमला किया था उसका घर यहाँ पर है। और यहाँ तैयारी देख सकते हैं, जैसा कल से मांग की जा रही थी कि आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाया जाए, तो ऐसे में वन विभाग की टीम और जो नगर निगम की टीम थी उनके द्वारा नोटिस दिया गया था कि वे दस्तावेज पेश करें और नहीं होने पर 24 घंटे में अब मकान को खाली करें। आप देखिए कि ये दीवानशाह कॉलोनी का जो मकान है, ये मैं आपको तस्वीरें यहाँ से दिखाना चाहूँगा। आप देखिए कि ये मकान जो कि पिंक कलर में हम देख पा रहे हैं, ये उस आरोपी का मकान है और इसके बाहर पुलिस का बड़ा जाब्ता तैनात किया जा चुका है। नोटिस कल से ही चस्पा कर दिए गए थे और कुछ देर पहले उन्हें ये इंटीमेटम भी दे दिया गया, अल्टीमेटम भी दे दिया गया कि वे मकान को तुरंत खाली करें। इसका ये अंदेशा है कि अब किसी भी समय इस घर को तोड़ने की कार्रवाई की जा सकती है। और आप देखिए, मैं आपको बाहर की सड़क के यहाँ की तस्वीरें दिखाऊंगा। आप देखिए कि बैरिकेड लगाकर रास्ते को बंद कर दिया गया है, जिनके मकान अंदर है सिर्फ उन्हीं को अंदर जाने दिया जा रहा है, बाकी रास्ते को बंद कर दिया गया, किसी भी और व्यक्ति को अंदर प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा। तो वहीं इस पूरी कॉलोनी में ड्रोन के मार्फत जो पुलिस के जो लोग हैं वो निगरानी कर रहे हैं, ड्रोन चलाकर ये जानकारी जुटाने में लगे हुए हैं कि आसपास के मकानों में किसी तरह से कोई उपद्रव की तैयारी तो नहीं हो रही है। लगातार जो टीम है वो सेफ्टी फीचर से जो सामान लाने हैं वो लेकर पुलिस की टीम यहाँ पर लगातार पहुंच रही है, चाहे अलग अलग बैरिकेड से हों, कई सारे बैरिकेड कुछ देर पहले अंदर ले जाए गए, पुलिस का बड़ा जाब्ता अंदर तैनात कर दिया गया है, बाहर से ही लोगों की आवाजाही अंदर बंद कर दी गई है और लगातार मूवमेंट जो है वो बढ़ा है। तो इस मूवमेंट को देखते हुए माना जा रहा है कि किसी भी समय आरोपी के घर को ध्वस्त करने की कार्रवाई नगर निगम और वन विभाग की टीम द्वारा की जा सकती है और उसको लेकर पूरी तैयारी जिला प्रशासन और नगर निगम द्वारा कर ली गई है। कपिल श्रीमाली, न्यूज 18 उदयपुर। स्कूल छात्रों में हुई चाकूबाजी की घटना में हम इस समय ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और आप देखिए कि यही राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भटियान चोट्टा का स्कूल है, जहां पर 10वीं के दोनों विद्यार्थी थे और यही इसी स्कूल के अंदर की ये घटना है जहां पर चाकू से हमला किया गया, उसके बाद में घायल छात्र की जो स्थिति वो गंभीर बनी रही। यहाँ आप देखिए काफी सारा ब्लड लॉस हुआ था, पूरा यहाँ से लेकर तकरीबन 50 मीटर दूर तक खून के जो छींटे हैं वो देखे जा रहे हैं यहाँ पर। हालांकि इसे अब पुलिस की जब इन्वेस्टिगेशन पूरी हो चुकी है, एफएसएल की टीम ने सारे जरूरी साक्ष्य जुटा लिए हैं, उसके बाद में यहाँ पर इस ब्लड को जरूर क्लीन करने की कोशिश की गई है ताकि इससे जो दहशत का माहौल आसपास के लोगों में बनता है वो ना बन सके, लोगों में थोड़ी राहत हो सके। और यही वजह है कि अभी यहाँ पर स्थितियां आप देखिए थोड़ा कंट्रोल में है, पुलिस द्वारा यहाँ अब जो है कल तक काफी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर रखी गई थी, आज सुबह भी
एफएसएल की टीम यहां पर पहुंची थी। एफएसएल की टीम ने जरूरी साक्ष्य सभी इकट्ठे कर लिए और उसके बाद में यहां की जो स्थिति है अब थोड़ी सामान्य होने लगी, लेकिन ये वही ग्राउंड जीरो है जहां पर यह घटनाक्रम पूरा घटित हुआ था और यहीं पर जो चाकूबाजी की घटना हुई उसके बाद पूरे उदयपुर में उपद्रव का माहौल हो गया, आगजनी हो गई और पथराव से पूरे उदयपुर में तनाव का माहौल क्रिएट हो गया। कपिल श्रीमाली, न्यूज 18 उदयपुर। तो आरोपी का घर तोड़ने की तैयारी की जा रही है। उदयपुर सहयोगी मौके पर मौजूद हैं, जिन्हें आपने सुना कि किस तरीके से वहां पर तैयारियां की जा रही हैं और जो बदमाश हैं, जो इस तरीके के अपराध करते हैं, उनके मन में भय व्याप्त हो, डर व्याप्त हो, इसी को लेकर इस तरीके की कार्रवाई बेहद महत्वपूर्ण।